राजनीति का खेल, शुरुआती जीत के बाद कभी घटा तो कभी बढ़ गया महाराष्ट्र का वोट प्रतिशत। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बदल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पांचवें चुनाव में उन्हें 1,25,595 मतों से पराजय का मुंह देखना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव को इस चुनाव में 6,14,049 वोट मिले, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4,88,500 वोट मिले थे। वर्ष 2001 में माधवराज सिंधिया की आकस्मिक मृत्यु के बाद 2002 में हुए गुना लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनावों में कांग्रेस ने उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा। माधवराव सिंधिया के निधन से उपजी संवेदनाओं की लहर के बीच युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव में जीतने की प्रतिशत वोट मिले। अपने इस रिकॉर्ड को वह फिर किसी चुनाव में ध्वस्त नहीं कर सके, बल्कि 2019 की हार ने उनका औसत और बिगाड़ दिया। वर्ष 2002 के लोकसभा उपचुनाव में वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी के पिता देशराज सिंह यादव को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा था। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया 5,08,687 वोट मिले थे। इस चुनाव में उन्होंने 4,06,568 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें मिलने वाले मतों का प्रतिशत 94.28% था, लेकिन दो साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में सिंधिया की जीत का अंतर घटकर 86,360 मतों पर आ गया। वर्ष 2009 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुल 63.59% वोट मिले। वर्ष 2014 के चुनाव में जब पूरे देश में मोदी सरकार को लेकर माहौल बना हुआ था, इस चुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जनता ने भरोसा जताते हुए उन्होंने 1,20,792 वोटों से जीत दर्ज कराई। इस चुनाव में सिंधिया को 5,17,036 वोट मिले। 2014 के चुनाव में वोटों का आंकड़ा 52.94% रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बदल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पांचवें चुनाव में उन्हें 1,25,595 मतों से पराजय का मुंह देखना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव को इस चुनाव में 6,14,049 वोट मिले, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4,88,500 वोट मिले थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।